नमस्कार, आप देख रहे हैं ITH न्यूज 11। आज कांग्रेस के उम्मीदवार सुधीर चंद्रवंशी जी कांडी प्रखंड में आए हुए हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी चुनावी मुद्दा क्या है और इनसे सारी बातें करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुधीर कुमार चंद्रवंशी। मेरे पिता का नाम श्री कमल प्रसाद, भूतपूर्व सैनिक। मेरे पिता ने देश के लिए लड़ा, एक छोटा सा कस्बा के लिए, गरीब वंचित असहायों की आवाज़ के लिए मैं चुनावी मैदान में आया हूँ। चुनावी मुद्दा आपका क्या रह गया यहाँ विश्रामपुर विधानसभा में? बहुत सारे प्रत्याशी आते हैं, अपनी मुद्दा लेकर आपके यहाँ खास मुद्दा क्या? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा जी, लेकिन यहाँ चंद्रवंशी जी तो पूरे शिक्षा के माध्यम से पूरा बोले हैं कि हम कॉलेज खुलवा दिए, बहुत अस्पताल बहुत सारी बनवा दिए हैं जी, तो अब वो तो बचा ही नहीं है, तो आप कौन सा विकास? एक NDBS के बनने के लिए उनके कॉलेज में 18 से 20 लाख रुपया सलीना लिया जाता है, तो क्या आपके बच्चे गरीब वंचित असहाय के बच्चे क्या वो MBBS कर सकता है? तो क्यों नहीं, रामचंद्र चंद्रवंशी जी यदि घोषणा कर दे कि मैं MBBS फ्री में कराऊंगा, तो मैं कल अभी नामिनेशन करने का अभी समय भी है 2 दिन, और जितने लोगों को MBBS कराए हैं, जितने इंस्टीट्यूट में IIT जो किए हैं, उनको सबको पैसा रिटर्न कीजिए। आज तक मैं संदेश आपके न्यूज के माध्यम से, पैसा रिटर्न कीजिए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। सिर्फ कहने से नहीं होता कि मैं शिक्षा का पूरा आलिशान खड़ा कर दिया हूँ, और मैं कहता हूँ कि जितना उसमें इंस्टीट्यूट में गड़बड़ है, उस गड़बड़ का मैं उजागर करके रहूँगा। कहीं ना कहीं समझ आए कि लोग जो है जिस तरह से उस कॉलेज में गड़बड़ होता है, 500 रुपया मतलब समझ आए कि फाइन लगाते हैं बच्चे पर, वैसे वैसे बहुत सा बच्चियाँ बहुत सा लड़के लोग तैयार हैं इस बात को रखने के लिए कि फाइन हमको 500, 700, 800 रुपया हमको माफ़ कर दिया जाए। जब उसको माफ़ नहीं कर सकते हैं गरीब वंचित असहाय के बच्चे को, तो आपका कोई अधिकार नहीं है मतलब क्षेत्र में आने का। रोजगार खास करके मुद्दा है विश्रामपुर विधानसभा के, रोजगार के लिए लोग प्लान कर रहे हैं जी, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर आपको जनता सपोर्ट करती है, आशीर्वाद देती है, तो आप क्या करेंगे रोजगार के लिए? देखिए, रोजगार के लिए तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले सिंचाई की व्यवस्था बढ़िया से हो जाए ना, सिंचाई की व्यवस्था हो जाए तो रोजगार तो इतना बेहतरीन बेहतरीन चीज़ है कि मशरूम का खेती कर लीजिए, बहुत सा ऐसा पौधा है उस पौधा का खेती कर लीजिए, 1 एकड़ में आप यदि व्यवस्था कर लेते हैं तो 15 से 20 लाख रुपये आप सलीना कमा सकते हैं। आप पूरे यहाँ के लोगों को 10-15-20 लोगों को ट्रेनिंग के लिए कृषि विश्वविद्यालय में भेज दीजिए, और वहाँ पर ट्रेनिंग देकर छोड़ दीजिए उसको, तो कृषि से जितना व्यवस्था है ना, 72% तो कृषि पर भारत निर्भर है, उसकी व्यवस्था अच्छा से हो जाए ना, तो उतना नौकरी क्या करेगा। लेकिन सबसे खास बात है कि यहाँ सुदूरवर्ती क्षेत्र है जी, बहुत सारे SC ST लोग रहते हैं जी, उनके पास भूमि नहीं है जी, उनके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, यदि उनके लिए भूमि नहीं है तो बहुत सा जमींदार लोग हैं कि वह खेती नहीं करते हैं, तो आप भाड़ा पर ही लेकर आप पहले उनको भेजवाइए, तो विश्वविद्यालय भेजवाइए, तो वहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ पर ऐसा ट्रेनिंग हो जाएगा कि 5 डिसमिल में भी मशरूम का खेती करके आप समझ जाए कि 50,000, 60,000, 70,000 की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके लिए आपको घूमना पड़ेगा, और हिंदुस्तान का लगभग एरिया में मैं घूम लिया हूँ। यदि यहाँ के लोग जब जाते हैं, गुजरात जाते हैं, तो बोलते हैं कि तमारू एटले हूँ करवानू छे, तमारू एटले गुजरात झारखंड में तो बद्दू खनिज संपदा भरवानू छे, तुम्हें बड़े बड़े लीडर हूँ करवानू छे, मतलब यहाँ पर इतना खनिज संपदा भरा हुआ है, और तुम्हारे बड़ा बड़ा लीडर क्या कर रहे हैं? मैं रिसर्च किया हूँ गुरु, और हर जगह में जाकर देखा हूँ कि कैसे व्यवस्था किया जाता है, व्यवसाय को कैसे आगे किया जाता है। और रही बात कि छोटा छोटा उद्योग भी लगाकर बहुत कुछ किया जा सकता है, नौकरी देना संभव नहीं है, नहीं, हम मोदी नहीं है कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे और उसके बाद 2 करोड़ नौकरी का 4 करोड़ नौकरी आप गायब कर देते हैं। हमने नौकरी का बात नहीं किया, हमने रोजगार का बात किया। देखिए, यहाँ काफी